चांद पर अब तक 12 लोग पहुंच चुके हैं। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा, लेकिन इन सबसे हटके एक शख्स ऐसा भी है जो कभी चांद पर तो गया नहीं, लेकिन उसकी कब्र चांद पर आज भी मौजूद है। चांद पर किसी इंसान की कब्र? जी हाँ, आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। तो चलिए जानते हैं कैसे उस व्यक्ति की कब्र चंद्रमा पर बनी। दरअसल उस शख्स का नाम है यूजीन सूमेकर, जो अमेरिका के रहने वाले एक जियोलॉजिस्ट थे। बता दें कि भूगोल को लेकर उनकी जानकारी बहुत ही अद्भुत थी, इसलिए उन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने साइंस के नेशनल मेडल से भी सम्मानित किया था। यूजीन हमेशा से ही चंद्रमा पर जाने का सपना देखते थे। इसके लिए उन्होंने नासा का टेस्ट भी दिया, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित कुछ कमियों के चलते वो फेल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने लगातार अपनी रिसर्च करके चांद के कई गड्ढों, घाटियों और पहाड़ों की खोज कर उनका नामकरण किया, और इसके अलावा अंतरिक्ष में मौजूद कई धूमकेतुओं की खोज करके उनकी जानकारी वैज्ञानिकों को बताई, इसलिए एक धूमकेतु का नाम उनके नाम पर भी रखा गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे चांद पर जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और उनका सपना अधूरा रह गया। बता दें कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से उनके एक पुराने दोस्त ने उनकी अस्थियों को चांद पर भेजने के लिए नासा से संपर्क किया, और कुछ समय बाद ही नासा इसके लिए तैयार हो गई। 1998 में नासा ने अपने लूनर मिशन में कैप्सूल के जरिए उनकी अस्थियों को चांद पर ले गए और उस कैप्सूल को वहां छोड़ दिया गया, और इस तरह चांद प्रेमी यूजीन सूमेकर की अस्थियां चांद में विलीन हो गई।